सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएस कॉन्सेप्ट सिंपलीफाइड। सो आज है 11th में का शिफ्ट 1 ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। सो इस वीडियो में जानते हैं कि 11th में का शिफ्ट 1 कैसा रहा, पेपर रिव्यू एंड एनालिसिस की बात करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और 90+ परसेंटाइल लाने को कितने मार्क्स लगेंगे। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट 11th में शिफ्ट 1 पेपर रिव्यू एंड एनालिसिस। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर रिव्यू की, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूला की, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की एंड सम स्ट्रेटजी एंड टिप्स। पेपर रिव्यू की बात की जाए तो पेपर रिव्यू में 11th में शिफ्ट 1 का पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। जैसे कल के पेपर आए थे वैसे आज का पेपर भी आया हुआ है। पहले दिन का जो पेपर था वो इजी था और इजी टू मॉडरेट था, बट अभी जो पेपर आ रहे हैं वो एग्जैक्टली मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, सो बी रेडी। बाकी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात की जाए, फिजिक्स का लेवल मॉडरेट था। फिजिक्स में कई सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी थे और कई सारे क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन जेई लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन सोचने लायक थे, लेंथी क्वेश्चन थे। बाकी केमिस्ट्री एकदम इजी टू मॉडरेट है, केमिस्ट्री बहुत इजी आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है केमिस्ट्री। जितना आपको याद हो सके उतना याद करके जाना केमिस्ट्री में, सीधा टिक करके आगे बढ़ना है, केमिस्ट्री बहुत इजी आ रहा है बस। मैथमेटिक्स मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, मैथमेटिक्स में बहुत लेंदी क्वेश्चन भी है। सो मैथ्स में ट्राई करना जितने क्वेश्चन हो सके कंप्लीट करके आओ, मतलब अगर 50 में से आपके 30 क्वेश्चन भी हो रहे हैं वेल एंड गुड, 60 मार्क तो आपके आ रहे हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन में ऑप्शन बी या फिर सी टिक करके आ जाना। ये हुआ एक्शन टाइम की बात की जाए, सो कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, गामा हेक्सेन के आइसोमर निकालो उसके ऊपर क्वेश्चन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, OH- माइनस का कंसेंट्रेशन निकालो फ्रॉम H+ आयन के कंसेंट्रेशन से, फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, फिर IUPAC नेमिंग के ऊपर 2 क्वेश्चन है, टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8+ क्वेश्चन थे, फिर हिजनबर्ग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन है, फिर मोस्ट आयोनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करो उसके ऊपर क्वेश्चन है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर सीधा फॉर्मूला था, आइडेंटिफाई करो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला कौन सा है, ऑप्शन में फॉर्मूला था, फिर बॉइलिंग पॉइंट निकालो उसके ऊपर क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड कौन सा है, कंडक्टिविटी के निकालो, स्टीफन रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, पेयर ऑफ कोपोलीमर्स आइडेंटिफाई दी पेयर ऑफ कोपोलीमर्स, ऑप्शन में टिक करना था, और BCC की रेडियस निकालो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, सो वो क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स में कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर क्वेश्चन है, फोकल लेंथ निकालने के ऊपर क्वेश्चन है, इमेज डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से दुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ओपन ऑर्गन पाइप के ऊपर क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होगा उसके ऊपर क्वेश्चन है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू चार्ज है उसको ट्रायंगल में सेटअप किया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसके ऊपर था, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो। मैथमेटिक्स में LPP से 1 है, कैलकुलस से 8+ क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे थे, लॉजिक से PNQ में मतलब इनवर्स निकालो वही सब उससे एक क्वेश्चन आया था, मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के ऊपर क्वेश्चन आया था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के 3 क्वेश्चन आपको मिले गए थे टोटल, फंक्शन के 2 क्वेश्चन मिले थे, डिफ्रेंशिएशन के 3 मिले थे, फिर वेक्टर एंड 3D के 2 थे और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 थे और डेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन थे। सो ऐसा मैथ्स का था, मैथ्स में मेजर आप कैलकुलस पे फोकस करो, बाकी मैट्रिसेस करके जाओ और लॉजिक करके जाना, लॉजिक के फ्री मार्क्स मिलते हैं, और वेक्टर एंड 3D करके जाना उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इजीली बनते हैं। बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात की जाए, सो पेपर का लेवल एग्जैक्टली मॉडरेट लेवल का था, सो अगर आपको 90+ परसेंटाइल लानी है तो आपको कम से कम 95+ मार्क्स चाहिए। सो अगर आपके 95+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप श्योर रहो कि आपके 90+ परसेंटाइल बनने वाली है। बाकी पर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का आप देख सकते हो चार्ट, इसमें वेरिएशन होगा, जस्ट ±1 परसेंटाइल का वेरिएशन होगा, सो बी अवेयर। बाकी 90+ आ रहे हैं सो आप बाकी 95+ आ रहे हैं सो बी एश्योर कि आपके 90+ परसेंटाइल बनने ही वाले हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको MSTCET के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। सो जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म होगी हम कॉलेजेस के ऊपर, कॉलेज रिव्यू के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो उसके ऊपर वीडियोज आना शुरू हो जाएंगे। सो स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आपको अगर ये PDF चाहिए तो हमारा WhatsApp ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, WhatsApp ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो वहाँ से तुरंत जाकर WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।